अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो व्लॉग्स थोड़े से लेट आ रहे हैं, उसकी रीज़न यही है कि अभी हम लोग रिकवरी पीरियड में हैं और इसकी वजह से थोड़ा सा मतलब ये कि थोड़ा सा भी कुछ काम कर लें तो बहुत ज़्यादा थकावट फील होना शुरू हो जाती है, तो इसीलिए यह कि थोड़ा थोड़ा लेट आ रहे हैं व्लॉग्स, तो इसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। बाकी ये अभी मैं आप लोगों को जो दिखा रही हूँ, ये चनाब फार्म से हम लोगों ने आम मंगवाए थे। हमने कहा जाते जाते ये जो मौसम गर्मा की सौगात है इसको इन्जॉय कर लें। आई थिंक कि अगस्त के बाद ये चले जाते हैं, मुझे सही नहीं पता लेकिन मेरा अंदाज़ा यही है। और ये समर लिया था और क्या कमाल आम था। अगर आप लोग भी आजकल मंगवाना चाहते हैं तो आप मंगवा सकते हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं पेज का लिंक आपको दे दूंगी। और ये कोई पीआर पैकेज नहीं आया था मेरा, बल्कि हम लोगों ने अपने पैसों से ही ख़रीदा था। बट ये कि जो चीज़ अच्छी होती है तो उसको ज़ाहिर शेयर करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? इस वक्त हम लोग जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए। मैंने अपना पार्टी वेयर एक आउटफिट लेना है, तो लेट्स सी, देखते हैं कौन सा मैं आउटफिट लेकर आती हूँ। जाना भी बाइक पर है क्योंकि आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था, गली अभी तक हमारी नहीं बनी कंप्लेंट्स करने के बावजूद भी, तो बस फिर अब देखते हैं। एस में गए थे हम लोग जहाँ पे शापोश है और डिफरेंट बुटीक्स हैं, बट वहाँ की ये है कि मैं क्लिप्स नहीं बना सकी क्योंकि एक तो वो थोड़ा सा मना भी कर देते हैं, दूसरी बात ये कि मुझे अच्छा भी नहीं लगता। वहाँ पे काफ़ी सारी लेडीज़ होती हैं जो ज़ाहिर है फिर एक प्राइवेसी का भी इशू आता है, तो फिर इसलिए मैं क्लिप्स वगैरह लेने से अवॉइड करती हूँ। बाकी मैंने क्या शॉप किया है वो मैं इस वीडियो के एंड में आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। बहुत ही खूबसूरत से मैंने पार्टी वेयर लिया है। और ये हम लोग अब आ चुके थे टाइम स्टोर पर क्योंकि कुछ ग्रॉसरी भी करनी थी। लास्ट मंथ तो हमने कोई ग्रॉसरी नहीं की और जो थोड़ी बहुत ज़रूरत की चीज़ें थी वो हम लोग ऑनलाइन बेस्ट एंड बाय एक ऐप है उससे मंगवा लिया करते थे। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए थे टाइम स्टोर पर, यहाँ पर भी यही हुआ कि ग्रॉसरी करते करते मैं इतनी थक गई कि वहाँ पर जो स्टूल्स पड़े हुए थे उनके ऊपर मैं बैठ गई। वर्कर्स के वो स्टूल थे लेकिन मैं बैठ गई थी क्योंकि अभी भी इतनी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है कि बस मैं बता नहीं सकती। तो इसीलिए प्लीज़ काइंडली जो अभी मुल्क में सिचुएशन चल रही है पेंडेमिक की, तो प्लीज़ उसको सीरियस लें। ट्रस्ट मी, हम इस चीज़ से गुजर के आए हैं। मैंने वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करनी है, सारा कुछ मैं डिटेल बताऊंगी, सब टिप्स बताऊंगी कि क्या क्या हमारे साथ हुआ, हमने किस तरह अपने लाइफ को उस इतने मुश्किल टाइम पे मैनेज किया और उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या हैं, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज भाई मुकम्मल ग्रॉसरी करनी थी, सब्ज़ी मंडी की तरफ हम आए हुए थे और बस अभी सामान सारा पड़ा हुआ था, इसको भी समेटना था जो कि एक बहुत बड़ा अजाब लग रहा था। ये ग्रोसरी तो वही होती है जो हमारी बेसिक होती है, तो वो मैंने कहा आप लोगों को क्या दिखाऊं, बस जो थोड़ी सी अलग चीज़ें हैं जो मंथली ग्रोसरी में नहीं आती मैंने कहा वो मैं दिखा देती हूँ। मैं कुछ बॉक्सेस वगैरह कंटेनर्स वगैरह ले आई थी, ये मैं आटे के लिए लेकर आई हुई थी और क्वालिटी इसकी अच्छी है काफ़ी, और ये मुझे मिल गया था 200 रुपीज़ में। और ये रोटियों के लिए लेकर आई थी मैं, और ये दो कंटेनर्स लेकर आई थी जो कि मुझे दालों के लिए चाहिए थे क्योंकि अक्सर दालें पड़ी होती हैं और मुझे पता नहीं चलता, तो ये ट्रांसपेरेंट में ये फ़ायदा हो जाएगा कि मुझे पता चलता रहेगा। और पीडियाश्योर का भी इंशाल्लाह मैं आपको रिव्यू दूँगी। और जी आ गया मेरा ये पार्टी वेयर, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरा पार्टी वेयर कैसे लगा, किस इवेंट के लिए मैंने ख़रीदा है, ये भी मैं आप लोगों को जल्द बताऊंगी, बल्कि व्लॉग्स नेक्स्ट व्लॉग्स में ही बताऊंगी और इसकी कुछ डिटेलिंग मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इस तरह इसके ऊपर गोटा और तिल्ले का सितारों का काम किया हुआ है और बहुत ज़बरदस्त इसका फैब्रिक था। ये मैं लेकर आई थी शापोश से, नेक लाइन पर इस तरह पर्ल्स लगे हुए हैं और दामन पर इसका भी सेम जो स्लीव्स के ऊपर काम था वही था। और ये फुल लेंथ था, इसके साथ ट्राउज़र था प्लेन और दुपट्टा मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा है। मुझे ये सूट बहुत प्यारा लग गया क्योंकि अभी मेरे पास टाइम भी नहीं था और इवेंट भी बहुत जल्दी आ रहा है। इसकी जो प्राइस है वो आफ्टर जो डिस्काउंट मुझे पड़ी थी वो 8700 समथिंग की थी। अच्छा मज़े की बात यह कि शापोश पर भी बाज़ुकात को इतना ख़ास फैब्रिक नहीं मिलता, बट बाई चांस मुझे बहुत अच्छा फैब्रिक वाला ये ड्रेस मिल गया था जो कि मुझे
मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि फैब्रिक इसका अच्छा था, नेट भी इसकी बड़ी सॉफ्ट सी थी और इसके ऊपर ऐसे काम हुआ था। इसके साथ मैं क्या एक्सेसरीज़ वेयर करूँगी वो भी आप लोगों के सामने शेयर करूँगी जिस दिन मैं तैयार होंगी, और मैं आप लोगों को वो क्लिप्स भी कुछ शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।